तोता पर निबंध। परिचय। तोता शब्द जैसे ही मेरे दिमाग में आता है राम राम की रट लगाने वाले एक पक्षी की छवि और कई अन्य शब्द जो इस पक्षी का वर्णन करते हैं वो सामने आने लगते हैं। क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पालतू तोता रहता है तोते पक्षियों की जाति में सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक हैं। उन्हें मानवीय आवाज की नकल करने की प्रतिभा प्राकृतिक रूप से प्रदान होती है। उन्हें केवल उनकी बुद्धिमत्ता के कारण विभिन्न फिल्मों और शो में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए आप फिल्म दिल्ली सफारी में
एलेक्स को ही ले लीजिए। एक तोते के गुड़। तोता एक मजबूत और घुमावदार चोंच। छोटे शरीर। और 8 पंजे वाले पैरों वाला जीव है। जिसके प्रत्येक पैर में 2 अंगूठे सामने और 2 पीछे की तरफ होते हैं। अलग अलग शरीर के रंगों और विशेषताओं के साथ इनकी कई प्रजातियां होती हैं। नर और मादा को केवल देखकर उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। वे आम तौर पर समूहों में रहते हैं और झुंड में उड़ते हैं। वे विभिन्न बीजों, फलों सूखे मेवों सब्जियों और छोटे कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं। जब इन पक्षियों को पालतू बनाया जाता है तो उनकी देखभाल के लिए
उन्हें हमेशा साथ रखना चाहिए। और साफ सफाई के रखरखाव के साथ उचित आहार भी दिया जाना चाहिए। वे आमतौर पर उस वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। और साथ ही मनुष्यों से भी तोते की कुछ प्रजातियों की उम्र 70 वर्ष तक होती है। लेकिन औसतन 30 से 35 वर्षों तक का होता है। यह अपनी आकर्षक विशेषता और खुशनुमा प्रकृति के कारण है। यह कई लोगों द्वारा पाला जाता है। निष्कर्ष: तोते करामाती और आकर्षक पक्षी होते हैं। जिनमें अलग अलग विशेषताएं हैं। वे इंसानों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। वे खुशी और भलाई का प्रतीक होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।